What's up guys, hope you guys are doing well. Welcome back to my channel Life by Akash. और आज इस चैनल पे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बिगफिट ऑर्थोपेडिक मैट्रेस के बारे में। जानेंगे इस बारे में कि आपको ये मैट्रेसेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, क्या इसमें खराबियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस तरीके से कस्टमर को लूटा जा रहा है या नहीं लूटा जा रहा है, अगर आपको बैक इश्यू है तो क्या ये हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। ऑल दीज थिंग्स वी गोना कवर इन दिस वीडियो। क्विकली रिव्यू करते हैं और आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा इस मैट्रेस को लेने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, नॉट जस्ट दिस मैट्रेस एंड दी अदर मैट्रेसेस एज वेल जो कि इस तरीके की पैकेजिंग में आती हैं, जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और आपके घर पे डिलीवर होती हैं। तो जो भी ये लोग बेच रहे हैं उसमें कितना कस्टमर के बारे में सोचा जा रहा है, स्पेशली उन कस्टमर्स के बारे में जिनको बैक इश्यू है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इस तरीके की कुछ मैट्रेस आपको मिलती है। इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मैं पहले ही कर चुका हूँ क्योंकि मेरे को ये मैट्रेस लिए हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। एंड इस मैट्रेस को लेने के मेरे दो रीजन थे। एक, आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बिकॉज मेरे को बैक का काफी इश्यू रहता है, और दूसरा कि मेरे बेड के हिसाब से मुझे एक कस्टमाइज्ड साइज चाहिए था, क्योंकि मेरे बेड का जो साइज है वो हमने एक कस्टमाइज साइज है इसका, ये स्टैंडर्ड साइज बेड नहीं है। तो इसके लिए हमारे को मार्केट में एक स्टैंडर्ड साइज मैट्रेस नहीं चाहिए थी, हमें एक कस्टमाइज साइज मैट्रेस चाहिए थी। तो दैट इज व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस मैट्रेस बिकॉज इट वाज इजी टू ऑर्डर ऑनलाइन। मेरा वेट 69 kgs है जिसके हिसाब से मुझे शायद 6 inches की मैट्रेस ऑर्डर करनी चाहिए थी, बट स्टिल आई थॉट कि अगर एक बारी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो 8 inches की मैट्रेस ऑर्डर करता हूँ रादर देन 6 inches। रीजन बीइंग कि मैट्रेस जब भी आप लेते हैं तो वो दबती है कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए जितना टाइम आप उसके ऊपर सोएंगे उसके बाद वो मैट्रेस थोड़ी सी दबती है, नीचे को जाती है। लेकिन इस मैट्रेस के साथ ये सीन है कि ये मैट्रेस 8 inch के होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस है। इसके ऊपर जो व्हाइट साइड है, व्हाइट साइड में आपको मेमोरी फॉर्म मिलता है, और जो इसकी और एक ये जो इसकी ग्रे साइड है, इसकी ग्रे साइड में आपको हाई रेजिलेंस फॉर्म मिलता है। जो मेमोरी फॉर्म होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जो आपकी बॉडी का शेप ले लेता है, और जो हाई रेजिलेंस फॉर्म होता है ये भी सॉफ्ट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू मेमोरी फॉर्म ये थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये मैट्रेस क्या आपको लेनी चाहिए अगर आपके पास बैक इश्यू है, तो वेदर यू शुड बाय दिस मैट्रेस और नॉट। सो इन माई ओपिनियन आपको ये जो मैट्रेस है फॉर श्योर एक ऑर्थोपेडिक मैट्रेस नहीं है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस के अंदर इनके पास, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं इसको, वन सेकेंड, सो इफ यू कैन सी, सो दे हैव 3 layers ऑफ इट। जो इसकी पहली लेयर है, ये जो पिंक वाली लेयर आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, जो कि 6 inches की लेयर है, ये जो लेयर है ये है हाई रेजिलेंस फॉर्म। अब ये किस क्वालिटी का हाई रेजिलेंस फॉर्म है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप मोस्टली हाई रेजिलेंस फॉर्म जो होते हैं वो सेम ही क्वालिटी के आते हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता उसके अंदर। अब ये जो नीचे वाला व्हाइट कलर का है, ये जो येलोइश एंड व्हाइटिश कलर का है नीचे वाला, इसे ये होता है मेमोरी फॉर्म। मेमोरी फॉर्म क्या करता है, ये आपकी बॉडी की शेप ले लेता है, और जैसे ही आप सोकर उठते हैं दिस विल अगेन गो बैक टू द सेम पोजिशन ग्रेजुअली, स्लोली अपनी वापस सेम पोजीशन में आ जाता है। तो 3 तरीके के इन्होंने फॉर्म यूज करे हैं। आई डोंट नो किस इंजीनियरिंग की ये लोग बात कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि हमने बहुत दिमाग लगाया है इसके अंदर और आपकी बैक के लिए एक परफेक्ट मैट्रेस है ये वो, सो पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग, बट फिर भी मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ उसका इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो देख लीजिए ये 8 inch की है पूरी मैट्रेस, और अभी मैं आपको अगर इसको पलट के दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 8 inch की तो आई थी लेकिन अब कितने इंच की रह गई है कुछ जगहों से, व्हाट दे से कि ये, और ये आपको एक कवर मिल जाता है इसके ऊपर बहुत ही बेसिक सा, कुछ खास कवर नहीं है ये भी, पता नहीं इसमें एयर पास होती है कि नहीं होती,
मैंने अभी तक नोटिस नहीं करा बिकॉज मैं मोस्टली एसी चला के सोता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ इसको पलट के। हाल फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इसकी जो बताते हैं कि अगर ग्रे साइड से अगर आप यूज करेंगे तो ये हार्डर साइड है, तो ये हार्डर साइड कितनी हार्ड है वो मैं आपको अभी चेक करके बता देता हूँ, और आप देख लेना कि कितनी हार्ड है और आपको कितना बैक सपोर्ट मिल सकता है इसके अंदर। ये देखिए ये ग्रे साइड है, अब मैं इसको ये देखिए ये पूरी अंदर चली जाती है। अगर मैं इसको यहां से पुश करूंगा स्पेशली तो ये अंदर चली जाएगी, यहां से पुश करूंगा तो ये थोड़ी सी सेंटर से थोड़ी सी हार्ड रहती है, लेकिन अगर इसकी साइड में करूंगा तो ये पूरी नीचे चली जाएगी। अब मैं आपको इसकी व्हाइट साइड दिखाता हूं, तो ये है इसकी व्हाइट साइड जो कि एक सॉफ्ट साइड है। व्हाई? बिकॉज इसके ऊपर जो हाई रेजिलेंस फॉर्म है वो नीचे आ गया, सबसे नीचे हाई रेजिलेंस फॉर्म है जो कि थोड़ा सा हार्ड फॉर्म होता है, माइनर नॉट मेजर। और ये जो ऊपर है, जो ऊपर के दो फॉर्म है ये सॉफ्ट फॉर्म होते हैं जो यहाँ पर ऊपर दो लगे हुए। अब आप इसको देखना है ये कितनी ज्यादा दबती है व्हाइट साइड से। ये देखिए ये पूरी नीचे आ गई, ये यहां से भी देखिए पूरी नीचे जाएगी ये मैट्रेस। ये बस एक चीज है कि अगर आप इसको यहां प्रेस कर रहे हैं देन बिकॉज ऑफ मेमोरी फॉर्म और उसके नीचे जो फॉर्म लगी है उसकी वजह से यहां पर आपको इफेक्ट कम दिखेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पर आपने एक पानी का गिलास रख दिया और आप प्रेशर यहां पे दे रहे हैं तो पर्टिकुलरली ये यहां से दबेगी, वहां से नहीं दबेगी। सो द ग्लास विल रिमेन इंटैक्ट ओवर एट दिस साइड, वो गिरेगा नहीं, पानी आपका गिरेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर यहां पर आप बैठे हैं सो अगर मैं बैठता हूं तो मैं पूरा नीचे चला जाता हूं क्योंकि वो जो वेट है वो एक जगह पे आ जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है इस मैट्रिक्स में सही तरीके से। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर। दूसरी चीज इसके अंदर है कि अगर आप यहाँ पे सेंटर में लेटे हुए हैं, इस जगह पे अगर आप सेंटर में लेट के लेटे हुए हैं तो ठीक है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक कर लेगी ये मैट्रिक्स। लेकिन जहां आप इस साइड पे आते हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर आप इस कॉर्नर में आ गए तो ये मैट्रिक्स में आपको गिरने का डर रहता है क्योंकि ये सीधा नीचे जाके आपको स्लिप कर देती है। एंड दिस इज फ्रॉम बोथ द साइड्स, नॉट जस्ट फ्रॉम व्हाइट साइड, इवन फ्रॉम ग्रे साइड दिस इज द इश्यू। ग्रे वाली साइड में भी आपको सेम प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी इस मैट्रिक्स के अंदर। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि इसके अंदर व्हाइट साइड से ये कैसी है, ग्रे साइड से ये कैसी है, और इसके अंदर कितने फॉर्म लगे हुए हैं। एक हाई रेजिलेंस फॉर्म है, एक और फॉर्म है, और एक मेमोरी फॉर्म है ऑन टॉप व्हाइट साइड से। नीचे की साइड से सिर्फ हाई रेजिलेंस फॉर्म मिलेगा। थिकनेस है इसकी 8 इंच की, क्योंकि 8 इंच की कहीं ना कहीं से कुछ कुछ जगह से 7 इंच की रह गई है, इतनी जल्दी ये दब गई है। 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, आई डोंट नो हाउ। चलिए बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, और किन लोगों को ये मैट्रेस लेनी चाहिए और क्या मैं इस मैट्रेस को किसी को रेकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा, डिस्कस करते हैं सब चीजों के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, लेट मी टेल यू कि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ना तो मुझे किसी कंपनी ने कुछ पैसा दिया है, ना जिस भी कंपनी की मैं आगे बात करूंगा, और अगर मैं किसी कंपनी की तारीफ करता हूँ आगे सो उस कंपनी ने भी कोई मुझे पैसा नहीं दिया, और मैं किसी का पेड रिव्यू नहीं कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट रिव्यू, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि ये मैट्रेस मैंने खुद के लिए ली थी, बैक की प्रॉब्लम मुझे है और इसलिए मेरे को एक ऑर्थोपेडिक मैट्रेस चाहिए थी। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू यू नो डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मैट्रेस, और किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, और क्या मेरी रिकमेंडेशन है इस मैट्रेस के बारे में, किसी को मैं रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा, वो सारी चीजें हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। सो यार, अगर हम इस मैट्रिक्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अगर बात करें, प्रोज के ऊपर आते हैं पहले। तो प्रोज इसके सिर्फ दो लगे मुझे। एक, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अगर एक कस्टमाइज्ड साइज चाहिए तो फिर आप इस मैट्रिक्स के लिए जा सकते हैं, और इस टाइप की किसी भी मैट्रिक्स के लिए जा सकते हैं। और सबका कॉन्सेप्ट सेम है कि वो वैक्यूम पैक करके देते हैं आपको मैट्रिक्स ताकि आपके घर पे डिलीवर हो जाए। दूसरे, अगर इसकी प्रो की बात करें हम, तो वो ये है कि अगर आपको एक सॉफ्ट मैट्रेस चाहिए एंड यू कैन नॉट स्लीप ऑन अ हार्ड मैट्रेस,
जो कि हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती शायद, मे बी मेरी है बिकॉज मेरे को बैक इश्यूज थे, इसलिए मेरे को एक ऑर्थोपेडिक, प्रॉपर ऑर्थोपेडिक मैट्रेस चाहिए थी। लेकिन अगर किसी की वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इस मैट्रेस को ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि ये मैट्रेस काफी सॉफ्ट है, नॉट फ्रॉम वन साइड बट फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम व्हाइट एंड ग्रे, फ्रॉम बोथ द साइड्स दिस मैट्रेस इज क्वाइट सॉफ्ट, व्हाइट से तो बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी मैट्रेस। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। जो इसके कॉन्स हैं उसके मेरे पास लिस्ट है पूरी की पूरी। सबसे पहला कॉन जो इसका है वो ये कि ये लोग इस मैट्रेसेस को बेच रहे हैं, इन मैट्रेसेस को ये बोल के बेच रहे हैं कि ये ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल फेक बात है, ये कोई ऑर्थोपेडिक मैट्रेस नहीं है। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस कभी ऐसी नहीं होती है। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का मतलब हो गया कि आपकी बैक को एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, जो कि ये मैट्रेस आपको कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैट्रेस अंदर नीचे दब जाती है, ये मैट्रेस फ्लैट नहीं है। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस थोड़ी सी हार्ड होती है और उनके पास वो नीचे से हार्ड होंगे, उनमें प्रॉपर आपको बेस दिया जाता है और उसके ऊपर थोड़ी सी सॉफ्ट फॉर्म लगाई जाती है ताकि वो आपको कंफर्ट भी दे और आपकी बैक को एक सॉलिड सपोर्ट भी दे सके, जो कि ये मैट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं देगी। सो ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस मैट्रेस को खरीदने का। तो ऑर्थोपेडिक अगर आप मैट्रेस लेना चाह रहे हैं तो इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, अगर आपको कोई भी बैक इश्यू है तो। दूसरी चीज, मुझे समझ में नहीं आता है इनके इंजीनियर्स ने कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग दिखाई है इस मैट्रेस के ऊपर, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा डिटेल में छाप रखा है कि हमने बहुत इतने सालों की रिसर्च कर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि आपको ये देगा वो देगा, इवेंचुअली आपको कुछ मिलता है नहीं। दिस इज जस्ट अ कॉमन फॉर्म दैट दे आर यूजिंग विच इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन गेट इट। तो इन्होंने कुछ खास कुछ करा नहीं है इसके अंदर जो कि आपको बता रहे हैं जिस हिसाब से, तो कस्टमर को बेवकूफ बनाने वाली बात है। सिंपल सी चीज है कि ऑर्थोपेडिक के नाम पे कुछ भी चेप दो, कस्टमर तो रिसर्च करने नहीं वाला। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि यूट्यूब में इतने सारे लोगों ने इसके पॉजिटिव रिव्यूज डाल रखे हैं। आई हैव नो आइडिया कि कैसे डाल दिए वो रिव्यूज, क्योंकि मैं भी जब मैंने ऑर्डर करी है तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज देख के मैंने ये मैट्रेस ऑर्डर करी दैट ओके चलो ये मैट्रेस देख लेते हैं, दिस मैट्रेस माइट बी गुड फॉर मी। लेकिन ये इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे ये मैट्रेस लेने के बाद। अब बात करते हैं इनके कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस में अगर आप इनकी कभी भी कॉल करोगे तो बहुत पोलाइटली आपसे बात करेंगे। अगर इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमेशा ट्राई करेंगे आपको रेजोल्यूशन देने का ओवर द फोन। उसके बाद आपको रेजोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है ये उनकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 100 डेज का ये लोग आपको ट्रायल देते हैं जो कि बहुत एविडेंटली इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करा हुआ है। 100 डेज के अंदर अंदर अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है इस मैट्रेस से और इट इज नॉट हेल्पिंग आउट तो आप ये मैट्रेस चेंज करवा सकते हैं, आप ये उनको मैट्रेस रिटर्न करवा सकते हैं जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करा है। इट्स काइंड ऑफ एन इजी रिटर्न, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप इनका प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10-20 दिन मैट्रेस को यूज करने के बाद, यूजली 20 दिन बोलते हैं कि आपकी बॉडी टाइम लेती है एक मैट्रेस के फॉर्म को और उस मैट्रेस की बनावट को अडॉप्ट करने के लिए और आपकी बॉडी शेप उस तरीके से मैट्रेस लेती है, लेकिन इस मैट्रेस के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। 20 दिन 10 दिन 15 दिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया और मेरी बैक के इश्यूज बढ़ते गए, पर्टिकुलरली इस मैट्रेस को जब मैं वाइट साइड से यूज कर रहा था। मैंने इनके कस्टमर सर्विस पे कॉल करा, दे सेड कि सर अगर आपको बैक का इश्यू है तो आप इसकी ग्रे साइड यूज करिए, इसकी ग्रे साइड थोड़ी सी फर्म है। मैंने कहा ओके ठीक है ट्राई करते हैं, बिकॉज मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि हाई रेजिलेंस फॉर्म क्या होती है, मेमोरी फॉर्म क्या होती है, ये सब चीजें मैंने बाद में रिसर्च करी है। उससे पहले तो मुझे बस ये लग रहा था कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है तो चलो भाई ऑर्डर कर दो, आपकी बैक को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। मैंने फिर फ्लिप कर दिया इसको, इसकी ग्रे साइड अप कर दी और व्हाइट साइड डाउन नीचे की साइड पे कर दी मैंने। उसके बाद मैंने जब सोना स्टार्ट करा द सेम इश्यू इज देयर,
द इश्यू रिमेंस द सेम, माई बैक इज हर्टिंग, मेरे को बैक की प्रॉब्लम आ रही है, सेम उतना ही थोड़ा सा कम जा रहा है लेकिन फॉर्म फिर भी नीचे धस रहा है इसका. फिर मैंने दोबारा कॉल करा इनके कस्टमर सर्विस में कि बॉस इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एंड इट इज अ सीरियस इश्यू, आई हैव अ बैक प्रॉब्लम, सो कैन यू गाइज प्लीज रिटर्न दिस मैट्रेस और इफ यू हैव एनी अदर यू नो प्रॉपर ऑर्थोपेडिक मैट्रेस देन प्लीज सजेस्ट मी दैट. तो इनके कस्टमर सर्विस वाले बोलते हैं कि सर आपको 21 दिन और ये मैट्रेस यूज करनी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी टाइम लेती है उस मैट्रेस में एडजस्ट होने के लिए. सो ग्रे साइड जो है वो बहुत फर्म है और अगर आपको ग्रे साइड सूट करती है तो आप 20 दिन और सो के देखिए इस मैट्रेस के ऊपर. अगर ग्रे साइड सूट करती है तो हम आपको पूरा एक हाई रेजिलेंस फॉर्म का 8 इंच का गद्दा बना के दे देंगे, मैट्रेस बना के दे देंगे, आपके घर पर डिलीवर कर देंगे. तब मेरा दिमाग खटका और तब मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी अपनी अबाउट द मेमोरी फॉर्म, अबाउट द हाई रेजिलेंस फॉर्म, व्हाट इज रीबॉन्डेड फॉर्म, व्हाट इज ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, सारी रिसर्च मैंने करी. उसके बाद मुझे जाके पता चला कि हाई रेजिलेंस फॉर्म इज नॉट एट ऑल रेकमेंडेड फॉर योर बैक सपोर्ट और इट इज नॉट एट ऑल एन ऑर्थोपेडिक प्रॉपर ऑर्थोपेडिक फॉर्म मैट्रेस. सो मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो रिसर्च करने के बाद मैंने दोबारा इनको कॉल करा एंड आई सेड दैट बॉस दिस फॉर्म इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, हाई रेजिलेंस फॉर्म इज देयर बट स्टिल इट इज अ वेरी सॉफ्ट फॉर्म दो इट इज 6 इंचेस थिक. सो मैंने जब इनकी कस्टमर सर्विस में बात करी देन आई आस्क्ड क्योंकि मैंने उस टाइम तक रिसर्च कर चुका था तो ऑर्थोपेडिक के लिए आपको एक्चुअली चाहिए क्या होता है. अगर ऑर्थोपेडिक मैट्रेस आप कभी भी लेने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके अंदर उसका जो उसकी जो बनावट होती है उसमें सबसे नीचे होता है रीबॉन्डेड फॉर्म. रीबॉन्डेड फॉर्म जो होता है वो बहुत ठोस हार्ड फॉर्म होता है, वो इजिली दबता नहीं है रीबॉन्डेड फॉर्म. तो वो रीबॉन्डेड फॉर्म सबसे नीचे उसकी एक लेयर आती है और उसके ऊपर आता है हाई रेजिलेंस फॉर्म और उसके ऊपर आता है यू नो 1 or 2 inches हाई रेजिलेंस फॉर्म एंड देन 1 inches मेमोरी फॉर्म आता है. यूजली मैट्रेसेस के अंदर ऐसे होता है जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस होती है. तो मैंने उनको बोला अगर आपके पास रीबॉन्डेड फॉर्म की कोई मैट्रेस है और अगर उस तरीके की आप मैट्रेस मुझे बना के दे सकते हो देन जस्ट लेट मी नो, तो आप ये चेंज करके और ये एक्सचेंज कर देना उससे और मेरे को वो वाली मैट्रेस दे देना. दे सेड रीबॉन्डेड फॉर्म ये बनाते नहीं है विच इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज रीबॉन्डेड फॉर्म को ये वैक्यूम पैक करके नहीं डिलीवर कर सकते किसी के घर पे एंड दैट इज द रीजन कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है. और सरासर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बेच रहे हैं और इस तरीके की सिर्फ ये कंपनी नहीं है और भी कंपनीज हैं जो आपको सरासर बेवकूफ बना रही हैं ये बोल के कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है. इट्स दे डोंट हैव एनी ऑर्थोपेडिक मैट्रेस. ऑर्थोपेडिक बस इनको एक शब्द मिल गया है मेडिकल टर्म में और उसके हिसाब से इन्होंने सोचा कि लोगों को आजकल बैक इश्यूज तो है ही, किसी को सर्वाइकल है, किसी को स्पाइन इश्यू है, किसी को बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, किसी का कुछ. सो लेट्स स्टार्ट आवर बिजनेस और ये ऑर्थोपेडिक के नाम से चिपका दो कस्टमर को जो चिपकाना है और वो ही इन्होंने करा है. तो उसके बाद मैंने इनको बोला कि नहीं, कस्टमर सर्विस में इनके मैंने कहा नहीं मुझे ये मैट्रेस नहीं चलेगी, मुझे आप इसको रिटर्न करके मेरे पैसे वापस कीजिए, मेरे को बैक इश्यू है और जो आप किसी की हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते हैं राइट. आप किसी की अगर किसी को जेन्युइन बैक इश्यू है और आप उसको जबरदस्ती एक मैट्रेस चिपका रहे हैं जो कि आप ऑर्थोपेडिक के नाम से बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर विच इज नॉट एट ऑल द राइट प्रोडक्ट फॉर दैट पर्सन, तो आपको रिटर्न करना चाहिए और टाइमली रिटर्न करना चाहिए बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू 14,500 रुपीज ऑन दीज मैट्रेसेस और उससे अच्छा मैं कोई और मैट्रेस लेता. तो मैं इनको रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट डाली देन फाइनली क्योंकि इनके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बहुत पोलाइट है, उनकी कोई गलती नहीं है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स एक्चुअली कम फ्रॉम द मेन मे बी मैनेजमेंट, जो इनकी हायर मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ इनको बोला होगा कि बॉस इस तरीके से कस्टमर को टालो एंड आगे बढ़ाओ चीजों को. सो उन्होंने कहा ठीक है सर, वी फाइनली एक्सेप्ट योर रिटर्न रिक्वेस्ट और उसके बाद हम आपको विद इन 3 to 4 days ये आपको वापस कर देंगे. सो 3 to 4 days में सर ये हम आपकी रिटर्न ले लेंगे एंड जब रिटर्न पिकअप हो जाएगा आपका मैट्रेस का तो फिर हम आपको अनदर 3 to 5 business days के अंदर आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस कर देंगे. उस बात को हुए वे मेरी वो बात करे हुए क्लोज टू 3 weeks
हो गए। अभी तक इनके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से या जो भी इनका कोरियर सर्विस होगी उससे मेरे पास अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। मल्टीपल मेरे को कॉल्स करनी पड़ गई हैं इनके कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, मल्टीपल ईमेल्स करी हैं मैंने इनके कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। हमेशा जब भी इनको फोन करो दे वुड से कि सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपके पास अनदर 48 आवर्स में कॉल आ जाएगा, मेट्रोस पिकअप हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लो, ये नहीं लो, वो नहीं लो। देन अगेन आई सेंट एन ईमेल, उसके बाद दोबारा एक कॉल आएगा, सर आपका रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं हुआ, मेट्रोस पिक हुई नहीं हुई, हमारे डिपार्टमेंट से लोकल कुरियर सर्विसेज से आपके पास कोई कॉल आई या नहीं आई, बट कोई रेजोल्यूशन है ही नहीं। 48 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम आपको दे दिया जाएगा, एस्केलेट कर देंगे आगे, लेकिन उस एस्केलेशन का क्या फायदा जब उसके ऊपर कोई एक्शन लेना ही नहीं है किसी ने। सो इतनी सारी इश्यूज हैं इस मैट्रिस की कंपनी के साथ, एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि कैसे यूट्यूब के ऊपर एंड ऑनलाइन इतने लोगों ने वेकफिट मैट्रिस को नंबर वन दिया हुआ। आई मीन पता नहीं आता लोगों ने यूज करा है या नहीं करा ढंग से, या उनको पता है ऑर्थोपेडिक होता क्या है या नहीं होता। अगर आप सीरियसली, मैं कुछ किसी पर्टिकुलर ब्रांड को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका हेल्थ इश्यू है और आपको अगर बैक की सीरियस प्रॉब्लम है, जस्ट डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ मैट्रेसेस दैट यू हैव टू ऑर्डर ऑनलाइन एंड दे विल कम इन दिस वैक्यूम पैक्ड बॉक्स, उसको मत ऑर्डर करिए। रादर देन आपको थोड़े से और पैसे देने पड़ेंगे, मे बी आप बेटर है कि आप एक फिजिकली किसी शोरूम में जाए, मे बी स्लीपवेल के या किसी कर्लॉन के या किसी और शोरूम में जाए और वहां पे जाके प्रॉपरली खुद चेक करें कि क्या वो आपको बैक सपोर्ट दे रही है मैट्रेस या नहीं दे रही। अब वहां पे जाके चेक करें कि वो ठोस है या नहीं है, क्या क्या उसके अंदर किस टाइप के फॉर्म यूज करे गए हैं, उनके जो बंदे हैं वो आपको खुद गाइडेंस देंगे कि ये आपके लिए बेस्ट है, आपकी बैक के लिए बेस्ट है। नहीं तो, और वो मैट्रेसेस थोड़ी सी ऑफकोर्स एक्सपेंसिव हैं, जितनी भी ये वेल नोन ब्रांड्स हैं इनके जो मैट्रेसेस हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, चाहे वो स्लीपवेल हो चाहे वो कर्लॉन हो, उनका स्पाइन टेक केयर करके जो मैट्रेस आता है दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 26,000-28,000 अप्रोक्सीमेटली। सो अगर वो नहीं हो सकता तो अगर आपके लोकल एरिया में, आपके घर के आसपास अगर कोई मैट्रेसेस मैन्युफैक्चरर है जो कि यू नो गद्दे बनाता है, नॉट लोकल शॉप बट प्रॉपर जिसकी फैक्ट्री हो, अगर ऐसा कोई है तो आप उससे उसके पास जाएं, उसको बोलें मेरे को एक ऑर्थोपेडिक मैट्रेस चाहिए, मेरे को बैक प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉपर बताएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट कि आपको किस तरीके की मैट्रेस बनवानी चाहिए, अगर आप लोकली बनवा रहे हैं तो, और अगर आप स्लीपवेल की ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज एनीवेज वो सब दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप लोकली किसी के लोकल मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं बनवाने के लिए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे यूज द रीबॉन्डेड फॉर्म, एंड रीबॉन्डेड फॉर्म भी कौन सा, 110 डेंसिटी का, एटलीस्ट 110 डेंसिटी का मिनिमम रीबॉन्डेड फॉर्म होना चाहिए उस मैट्रिक्स के अंदर। उसके ऊपर हाई रेजिलेंस फॉर्म होना चाहिए, मे बी 1 inch और 2 inch inches की थिकनेस वाला। उसके ऊपर मेमोरी फॉर्म होना चाहिए 1 inch की मिनिमम थिकनेस वाला। सो अगर इस तरीके की मैट्रिक्स आप बनवाते हैं तो वो मे बी 5 inches, 6 inches जो भी होगी, लेकिन रीबॉन्डेड फॉर्म इतनी आसानी से अंदर जाता नहीं है, और जो हाई रेजिलेंस फॉर्म है और जो मेमोरी फॉर्म है वो भी आपके बैक को काफी सपोर्ट देगा। सो उस तरीके की मैट्रेस आप बनवा सकते हैं और वो आपको प्रॉपरली सपोर्ट देगी बैक का। और अगर आप लोकली किसी से बनवाते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर से जो कि अच्छा काम करता हो मैट्रेस का, वो आपको शायद उस तरीके की मैट्रेस मे बी एनीवेयर फ्रॉम 14,000 to 16,000 आपको मैट्रेस डिलीवर कर देगा, तो आप वो ले सकते हैं। दिस इज अनदर गुड ऑप्शन। इसके अलावा मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग कभी भी किसी ऑनलाइन ऑर्डर करें, क्योंकि मेरा जो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड नेवर रेकमेंड एनीवन कि आप वेकफिट ऑर्डर करें या फिर आप किसी और मैट्रेस को ऑर्डर करें। तो गाइस बहुत टाइम फॉलो अप करने के बाद कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे अपने ट्विटर हैंडल पर डालना पड़ा ये वेकफिट मैट्रेसेस के लिए।
क्योंकि मैंने इनको बहुत सारी ईमेल कर दी थी एंड स्टिल आई वाज नॉट गेटिंग एनी रेजोल्यूशन। तो मुझे फिर इस तरीके का एक प्रॉपर मैसेज अपने ट्विटर हैंडल पर डालना पड़ गया, जिसमें कि मैंने मेंशन करा कि क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन आई आल्सो मेंशनड यू नो द स्क्रीनशॉट्स, यू नो जो मैंने ईमेल करी थी उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने इसके अंदर डाले। एंड उसके बाद मुझे थोड़ा रिस्पांस आया इन लोगों का, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्विटर पे डालते ही इन लोगों का मेरे पास रिस्पांस आ गया। ये देखिए, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। सो आई मेंशन दैट यू नो कि किस तरीके की मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी इस मैट्रेस को लेने के बाद, एंड उसके बाद वेकफिट सॉल्यूशन से मेरे पास आया ये स्टेटमेंट, हेलो सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर एक्सपीरियंस एंड दिस इज नॉट समथिंग वी वांट यू आवर कंज्यूमर्स टू गो थ्रू। सो जब ये आप मैंने रिव्यू शेयर करा, तब इनका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जागा एंड देन दे असाइंड यू नो समवन someone to you know take care of and then उसके बाद ये कुछ और replies भी आए मेरे पास जिसमें लोगों ने डाला कि 100% agree and then all that। so उसके बाद इनकी कंपनी का एक proper इन्होंने एक executive मेरे केस के लिए assign करा and then she gave me proper resolution within the next day। मेरी जो mattresses है वो pickup कर ली गई and then उसके एक हफ्ते के अंदर मेरे को refund भी मिल गया। So, मेरा ये पॉइंट है कि इतना ज्यादा हैसल होनी नहीं चाहिए। एक बार आप एक there has to be one stop resolution, जहां पर आप एक बार कस्टमर सर्विस पे कॉल करो और आपको सारा रेजोल्यूशन मिल जाए। हर कोई ट्विटर यूज नहीं करता, हर कोई इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, बट अगर वो ऑर्डर कर रहे हैं उसके बाद इतनी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है और इस तरीके के एक्शन लेने पड़ रहे हैं, तो आई थिंक ये कोई सही बात नहीं है। सो कंपनी को बहुत काम करना है इस चीज के ऊपर एंड आई थिंक जो भी उनके जो फेक कमिटमेंट्स हैं वो उनको नहीं करने चाहिए। थैंक यू। सो दैट्स ऑल गाइस, आई थिंक ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, आप जो भी कमेंट करेंगे आई होप आई वुड बी एबल टू आंसर। अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दीज मैट्रेसेस यू कैन डेफिनेटली आस्क, परहैप्स मैं हेल्प कर पाऊँ आप लोगों को आपके डिसीजन लेने में। सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगे, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना, और जो भी अगर आपके फर्दर सजेशंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना मेरे।